अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1A। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्किप किया था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सिमिलर हैं, तो आज हम उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट डज ईच डिजिट स्टैंड फॉर इन नंबर्स गिवन बिलो। नंबर्स हमारे पास गिवन है, हमने ये बताना है कि हर नंबर क्या स्टैंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास है 568,924,126। आपने क्या करना है, जहाँ पे नंबर स्टॉप हो रहा है मीन्स के राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है। तो राइट साइड पे पहला नंबर है हमारे पास 6। आपने ये 6 बताना है कि 6 क्या स्टैंड करता है। तो यहाँ पे 6 के बाद आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हमारे पास कोई डिजिट नहीं, तो 6 उसके नीचे आपने सिर्फ 6 लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट 6 से पहले वाला नंबर है हमारे पास 2। अब हमें नज़र आ रहा है कि 2 के बाद हमारे पास एक डिजिट है 6, तो 2 की जो स्टैंड करता है वो करेगा 20 को, क्योंकि हमने पढ़ा था पहला डिजिट जो स्टैंड करता है वो है यूनिट का, सेकंड 10 का। तो 10 की जगह आपने लिख देना है 2, और 2 के बाद हमारे पास एक वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 1। नंबर 1 के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, तो आपने 1 यहाँ पे लिखना है और 1 के आगे आपने 2 जीरोस पुट कर देने हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 100। वैसे भी जो हमने स्टडी किया था नंबर्स की प्लेस वैल्यू को, तो हमने कहा था यहाँ पे हमारे पास कौन सा वैल्यू आती है, वो है हमारे पास 100। नेक्स्ट है हमारे पास 4। 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप लोगों ने अपना 4 लिखना है। 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, तो आपने यहाँ पे कितने डिजिट पुट कर देने हैं, 1, 2, 3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2। आपने इसके सामने जो ब्लॉक बना हुआ है वहाँ पे लिखना है 2, कितने डिजिट्स उसके बाद आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आपने कितने जीरो पुट कर देने हैं, 1, 2, 3, 4, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 9। नंबर 9 आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, जो इसका बॉक्स बना हुआ है, नंबर 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो आप यहाँ पे कितने जीरो पुट कर देंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। नेक्स्ट है नंबर हमारे पास 8। नंबर 8 के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे आप लोगों ने 8 लिखना है और कितने 6 पुट जीरोस पुट कर देंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नेक्स्ट नंबर है हमारे पास। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके डिजिट्स काउंट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे आपने 6 लिखना है और उसके आगे 7 जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। लास्ट वाला जो नंबर है हमारे पास 5, वो 5 आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है इसके बॉक्स में, डिजिट्स को काउंट करेंगे और उतने जीरोस आप लोगों ने पुट कर देने हैं, जो कि है हमारे पास 8 जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 का पार्ट 1 मैंने अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है वो आप लोग खुद से अटेम्प्ट करेंगे। बस आपने इनकी प्लेस वैल्यूज याद रखनी है कि कौन सी प्लेस पे क्या वैल्यू है, कौन सी प्लेस पे कौन सा डिजिट स्टैंड करता है, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000, ठीक है। आपने उस तरह डिजिट्स की भी जो वैल्यूज है वो फाइंड करनी है, डिजिट डालना है, उसके बाद जितने भी यहाँ पे डिजिट रिमेनिंग बचेंगे आपने उसकी जगह पे जीरोस पुट कर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, ऑब्जर्व द कॉमर्स केयरफुली एंड राइट द वैल्यूज ऑफ डिजिट इन पिंक बॉक्सेस। यहाँ पे टोटल इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, मैंने 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना, इनकी क्या वैल्यू है, इनके अंदर जो डिजिट्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, वो हमने यहाँ पे लिखनी है। इसमें भी हमने वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है हमारे पास, 8, 94,
क्वेश्चन नंबर 4 इन दोनों क्वेश्चन के घर में प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।